न्यूज़, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर थाना से सामने आई है। मुख्यमंत्री ने भिवंडी भवन हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भिवंडी में इमारत दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद भिवंडी में इंदिरा गांधी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इस भवन हादसे में घायल हुए मजदूरों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उन्हें हिम्मत दी। इस समय उन्होंने प्रेम और राजकुमार के बारे में उत्सुकता से पूछताछ की, जो बच्चे सौभाग्य से दुर्घटना में बच गए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री ने पूछताछ की गई, छोटा राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। तब मुख्यमंत्री शिंदे ने उन्हें एक पिता की तरह दिलासा दिया और उनके आंसू पोंछे और चिंता न करने को कहा। उन्होंने राय व्यक्त की कि इस दुर्घटना की व्यक्तियों का इलाज सरकारी खर्चे पर होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर बुलढाणा से सामने आई है। गर्मी में धड़ इलाके की बाणगंगा नदी में आई बाढ़, सूखे से जिले में भारी नुकसान। पिछले चार दिनों से बुलढाणा जिले के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हो रही है। गर्मियों में भारी बारिश के कारण नदी और नालों में बाढ़ आ रही है। बुलढाणा तालुका धड़ के पास बाणगंगा नदी में बाढ़ आ गई है और जानवर भी नदी में बह गए हैं। दौलखेड़ में वज्रपात से एक सांड की मौत हो गई। चिखली तालुका में भारी बारिश के कारण बची हुई फसलें भी बह गई। बुलढाणा तालुका के धड़ में लगातार बेमौसम बारिश से बाणगंगा नदी बाढ़ की तरह बह रही है। तूफानी हवाओं के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। 3 घंटे से अधिक समय तक भारी बारिश के कारण बाणगंगा नदी उफान पर रही। जिला प्राकृतिक आपदा प्रकोष्ठ के अनुसार नंदूरा तालुका के मोजे डोलखेड़ के अनिल विजय सिंह यादव की उनके बेल पर बिजली गिरने से मौत हो गई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। मार्केट कमेटी के चुनाव में एक ही सिंबल दिखाकर एक दूसरे को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। केवल सोलापुर जिले पर केंद्रीय डेयरी कृषि उत्पादन बाजार समिति के लिए इस मतदान केंद्र के दौरान भाजपा विधायक सचिन कल्याण शेट्टी और कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री सिद्धाराम म्हात्रे मिदांगी मतदान केंद्र के बाहर आमने सामने हो गए। वही कल्याण शेट्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को भ्रमित करने के लिए चुनाव चिन्ह छतरी का प्रदर्शन करेंगे, जबकि दोस्तों के कार्यकर्ता चुनाव चिन्ह कप बशी का प्रदर्शन करेंगे। इस कृषि उपज मंडी समिति की 16 सीटें के लिए मतदान जारी है। वोटों की गिनती आज शाम 5 बजे से शुरू हो जाएंगी, इसलिए बीजेपी की मौजूदा विधायक सोलापुर जिला अध्यक्ष सचिन कल्याण शेट्टी और कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री सिद्धाराम म्हात्रे की छवि दांव पर है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।